भारत कितना सामर्थ्यवान है यह उसके उस कौशल से प्रदर्शित होता है कि विदेशी तंत्र पर भारत की टकटकी लगी रहती है। यहाँ भारत से कौशल छिटका नहीं, वहाँ विदेशी उसे लपक लेते हैं। इसी क्रम में भारतीय मूल के पूर्व आईसीसी अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद, जिन्होंने पिछले साल भारतीय क्रिकेट छोड़ दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जो अब भारत के खिलाफ भी खेल सकते हैं क्योंकि यूएस वेस्टइंडीज के साथ T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे जिस खिलाड़ी ने एक बार भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप दिलाया, आज वो उसी भारत के खिलाफ यूएसए से खेलने के लिए कमर कस चुका है। तो चलिए अविलंब प्रारंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट का प्रसार अन्य उन सभी देशों में करने का भरसक प्रयास कर रहा है जहां यह कुछ केवल देशों तक ही सीमित रह गया है। निश्चित रूप से क्रिकेट लाखों लोगों द्वारा देखा जाता है, लेकिन यह केवल कुछ देशों तक ही सीमित है, जिसको आईसीसी बदलना चाहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आईसीसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज को 2024 के लिए T20 विश्व कप की मेजबानी के अधिकार से सुशोभित किया है, जो उत्तरी अमेरिका में होने वाला पहला बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यूएसए वेस्टइंडीज के साथ शामिल होगा। जहां अब तक संघर्ष करते आ रहे उन्मुक्त चंद अपने अस्तित्व की लड़ाई में भारतीय क्रिकेट से बीते वर्ष संन्यास ले लिया था, और बीते कुछ समय से वो यूएस क्रिकेट टीम के लिए खेलने भी लगे। अब संभवतः उन्मुक्त चंद T20 विश्व कप 2024 में यूएसए के लिए खेलेंगे और भारतीय टीम के प्रतिद्वंदी होंगे। उन्मुक्त चंद ने पिछले साल अगस्त में 28 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट छोड़ दिया और कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में चीजें सुचारू नहीं रही हैं और अवसरों से वंचित किया गया है। देखा जाए तो उन्मुक्त अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो मूल रूप से भारतीय होकर अब भारत के विरुद्ध खेलेंगे। दुनिया भर के कई प्रमुख खिलाड़ी पहले से ही अमेरिकी रंग में रंग चुके हैं। 2024 में होने वाले उस टूर्नामेंट में उन्मुक्त चंद के अलावा कोरी एंडरसन और रस्टी थेरॉन भी अपने अपने देशों के खिलाफ यूएसए के झंडे के नेतृत्व में खेल सकते हैं, जो क्रमशः न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। अप्रैल 2012 में भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ मेजबान टीम को शामिल करने के लिए एक सीरीज खेली। बल्लेबाजी करते हुए चंद ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 94 रन बनाकर भारत को 63 रन से मैच जीतने में मदद की। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक धमाकेदार शतक के साथ नाबाद 112 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे, और अंत में उन्होंने भारत को शानदार 7 विकेट से जीत दिलाई। जून 2012 में ACC अंडर 19 एशिया कप में खेलते हुए फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 121 रन बनाने से पहले चंद सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 116 रन के साथ एक बार फिर इस निर्णायक पड़ाव पर पहुंचे। उन्होंने दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। वह 3 मैचों में 286 रन के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे। 26 अगस्त 2012 को ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 2012 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में चंद ने जीत के लिए अंडर 19 कप्तान के रूप में भारत का नेतृत्व किया था। अपने कौशल से चंद ने टीम को जीत दिला दी। इस मैच में चंद ने अपनी कप्तानी पारी खेली। 3 मार्च 2013 को चंद ने असम के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में दिल्ली के लिए 116 रन बनाए और टूर्नामेंट में फाइनल में बड़े शतक बनाने में अपनी क्षमता दिखाई। दिल्ली ने 95 रन से खेल को जीत लिया और यह खिताब पहली बार जीता। यह ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जो जितना बढ़ेगा उसकी टांग खींचने के लिए उतने ही लोग खड़े हो जाते हैं। भारतीय क्रिकेटर रहते हुए उन्मुक्त चंद इसी का शिकार हुए, जिसका लाभ अब अंग्रेज उठा रहे हैं। निश्चित रूप से यदि इन सभी प्रतिष्ठित क्रिकेटरों को अमेरिकी राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाता है तो यह निस्संदेह ही अमेरिकी टीम ही नहीं अपितु किसी भी टीम के लिए फायदे का ही सौदा होगा।